सोगाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि हरियाणा कल्चर में जो सॉन्ग आ रहे हैं आजकल काफ़ी तरक्की बढ़ते सॉन्ग आते हैं और जिससे काफ़ी युवाओं पे फर्क भी पड़ता है। तो इसी को लेकर यहाँ पे आपके जो सामने शख्स दिखाई दे रहे हैं ये हैं भगत सिंह क्लब के सदस्य और जो कि खुले चेतावनी देते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत से कलाकारों को, नाम भी लेते हुए बता रहे हैं कि जैसे अमित सैनी रोहतकिया हो गया, मासूम शर्मा हो गया, नोलीवाला हो गया, इन सबको चेतावनी दी है कि ऐसे जो गाने हैं वो ना गाए, इससे युवाओं पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, नेगेटिव असर हो रहा है, मर्डर वगैरह हो रहे हैं। और साथ ही साथ में हम बात करते हैं जो ये शख्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपकी आपने इसकी एक वीडियो देखी होगी जिसमें ये कहता हुआ नज़र आ रहा था कि विदेश में इसे जो कोई डोंकर का नाम ले रहा था वो उसे मरवाना चाहता है। देन उसके बाद एक और इसकी वीडियो वायरल हो रही है उसमें ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मुझे वह व्यक्ति मरवाना नहीं चाहते थे, उस टाइम मेरे दिमाग में बुखार चढ़ा हुआ था और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये सब बातें कर रहे थे। तो इनकी बातों में आपको क्या सच्चाई लग रही है, क्या इनको डरा धमका कर ऐसे बोला गया है या कुछ और बात है, इसमें आप क्या कहोगे? और ज़रा सुनिए जो भगत सिंह क्लब के सदस्य जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि हरियाणवी गाने ऐसे गलत जो है चल रहे हैं, हथियारों का प्रमोट किया जा रहा है जैसे कि पंजाब में किया जा रहा था, इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।